मेरे चैनल स्पाइस वेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साउथ इंडियन चटनी बनाना बता रही हूँ। इसमें हम दो तरह की चटनी बनाएंगे, टमाटर की चटनी और नारियल की चटनी। इसके लिए मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा प्याज और 2-3 टमाटर को काट लिया है और 4 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ली है। आप चाहे तो तीखा करने के लिए इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब पैन में ऑयल गर्म करके मैंने उसमें मस्टर्ड सीड्स को क्रंच किया है, उसमें धनिया साबुत और लाल मिर्च को डालकर थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक मिलाकर 1 मिनट चलाएंगे। अब इसमें हमने जो लहसुन छील के रखा था, गार्लिक क्लोव्स ऐड कर दिए हैं। इसको भी 1 मिनट चलाने के बाद हम इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 8 से 10 करी पत्ता लिए हैं और उसके बाद हमने इसमें प्याज मिला लिया है। इसको हमें सिर्फ सॉटे करना है जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर मिला देंगे। आप अगर करी पत्ता बीच में नहीं डालना चाहते तो आप इसको बाद में छौंक में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी में डाल लिया है। टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम नमक मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरह से टमाटर हमारे इतने मशी ही होने चाहिए। अब इसको ठंडा करने के बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेंगे। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का रहना चाहिए कि हमारी स्मूथ चटनी रेडी हो गई है। अगर आपको ये थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इस चटनी को आप डोसा, इडली, वड़ा सबके साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको पकोड़े के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारी टैंगी टमाटो चटनी रेडी है साउथ इंडियन स्टाइल में। अब हम नारियल की चटनी बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप नारियल लिया है। इसको छील कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब इसमें हम भुने हुए चने जिसका छिलका हटा लिया है हमने, आप चाहे तो इसकी जगह पीनट भी ऐड कर सकते हैं। 2-3 हरी मिर्च काट कर ली हैं, 1/2 कटोरी दही लिया है कर्ड, फ्रेश कर्ड, और 3/4 कप मिल्क लिया है जिसमें से कुछ हमने अभी बचा लिया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल नमक, इन सबको मिलाकर हम इसको अभी पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ये थिक लग रहा है तो बचा हुआ मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब ये हमारा जो नारियल का चटनी है तैयार हो गया है, पर अभी हम इसमें छौंक भी लगाएंगे। इसको एक बाउल में ऐड कर देते हैं। छौंक बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें 2-3 साबुत लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता। इसको क्रंच होने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इस चटनी के ऊपर इसको गार्निश करने के लिए ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी रहेगा और आपकी चटनी का कलर और टेक्स्चर भी बहुत परफेक्ट आएगा। तो हमारी कोकोनट चटनी भी रेडी हो गई है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।